हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक छोटा सा पर्पल हॉल। जी हाँ, तो मैं पर्पल हॉल शेयर करने से पहले आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो पर्पल हॉल है, ये मेरा जितना भी इसमें प्रोडक्ट है वो मैंने खुद अपने पैसे से खरीदे हैं। ये मुझे किसी भी ब्रांड ने भेजे नहीं हैं। ये कोई दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले है हमारा ये मामा अर्थ का मिस क्लेयर वाटर फॉर्मिंग मेकअप रिमूवर। तो एक ये बहुत ही अच्छा मेकअप रिमूवर है। ये एक फॉर्म बेस्ड मेकअप रिमूवर है जो कि कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये इसको हमें यहाँ से इस लिड को हटाना होता है। एंड ये ब्रश ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है, इस वजह से ये इस कलर का हो रहा है। तो ये इसमें कुछ इस तरीके से पंप करके इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है इसे आउट होता है। आप इसे अच्छे से इस तरीके से सर्कुलर मोशन में चलाते हुए अपना मेकअप अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट एनिमल टेस्टेड है, ये पैराबेन फ्री है। इस ये जेंट पैराबेन फ्री है। ये किसी भी एनिमल पे कोई टेस्ट नहीं किया गया है। एंड पैराबेन सेफ डर्मोलॉजिस्ट टेस्टेड एंड सूट ऑल स्किन टाइप। ये हर टाइप की ऑल स्किन टाइप को सूट करता है। तो ये एक जो फॉर्मिंग फेशियल है ये मैंने परचेज किया है। एंड उसके बाद ये मैंने जो प्लम की ग्रीन टी की मैटिफाइंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये मैंने परचेज की है। जी हाँ, ये मैंने कुछ 500 समथिंग 470 का ये जो क्रीम है मॉइस्चराइजर है ये मैंने परचेज किया है। तो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। ये पंप पैकेजिंग में आता है फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये जो प्रोडक्ट है पंप से हमें जितना भी लेना है हम उसे पंप आउट कर सकते हैं। एंड देन इसे ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है और बिल्कुल भी चिपचिपा बहुत ही ग्रीसीनेस नहीं है। ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और जो स्किन जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड उसके बाद मेरे पास है ये प्लम का ग्रीन टी रिन्यूएटेड क्लियरिटी जेल। ये एक नाइट जेल है जो कि हमें स्पॉटेड एरिया पे लाइक जो हमारी इफेक्टेड एरिया है जहाँ पे हमें ब्लेमिशेस है वहाँ पे हमें ऐसे इस तरीके से फिंगर की हेल्प से इसे यूज़ करना है और लगाकर इसको सो जाना है। एंड देन मेरा अगला प्रोडक्ट है ये वाओ का ओपटन फेस वॉश। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। ये मेरा दूसरा पैकेज है फ्रेंड्स। ये भी एक पंप पैकेजिंग में आता है। इसके जो ब्रशेस हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं। ये हमारी स्किन को ज़रा भी हार्श नहीं करते हैं और हमें जब इसे यूज़ करना है तो ये लिड हमें इसकी हटा देनी है और यूज़ करने के बाद इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद इस लिड को लगाकर ही हमें इसे रखना है। तो एक ये मेरा फेस वॉश है। एंड देन उसके बाद मैंने मंगाया है ये जो वाओ का शैम्पू है, ये मुझे इसके साथ गिफ्ट में मिला था। जी हाँ, गिफ्ट में कोई चीज़ मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये एक ट्रैवल फ्रेंडली पैकेज बहुत अच्छा है। वाओ का जो शैम्पू है ये है एप्पल साइडर विनेगर का शैम्पू। जी हाँ, एंड उसके बाद मैंने पर्पल से मंगाया है ये मेबलिन का न्यूयॉर्क दी हाइपर कर्ल फुल वॉल्यूम मस्कारा। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है। ये मेरा सेकंड पैकेजिंग है। ये मस्कारा भी मुझे बहुत पसंद आया। और उसके बाद मेरे पास है ये अरोमा मैजिक की नर्शिंग हैंड क्रीम। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी क्रीम है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। जी, ये एक बहुत ही अच्छी खुशबू में है। जी हाँ, ये अच्छी से स्किन में पहन जाती है, हमारी हैंड्स को बहुत ही सॉफ्ट कर देती है, बहुत ही अच्छा फील आता है इसे यूज करने के बाद। तो ये एक है। एंड देन ये मैंने ली है स्टेकोटी की एक लिपस्टिक। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है और इन शेड गर्ल कोड 13। जी हाँ, ये एक गर्ल कोड 13 शेड है। ये बहुत ही प्यारा सा एक है, इसी बॉन्ड टाइप में आता है। ये इसका बहुत ही प्यारा एक ऑरेंजिस रेड कलर है। जी हाँ, बहुत ही प्यारा इसका कलर है, ऑरेंजिस रेड कलर। तो एक लिपस्टिक मेरा ये है। एंड देन मैंने उसके बाद ये
एक आईलाइनर लिया है एन वाई बी का लाइन आईलाइनर है एंड ये एक कॉम्पैक्ट मैंने लिया है ये भी एन वाई बी का कॉम्पैक्ट है ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट लगा मुझे इसे मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है इसका पफ भी बहुत अच्छा आता है जी हाँ ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है पफ भी इसका इतना प्यारा है कि प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से फिक्स करता है एंड उसके बाद मैंने ये एन वाई वे का अगेन एक लाइनर लिया है ये ब्लू लाइनर है जी वो ब्लैक था एंड ये ब्लू है ये पता नहीं कैसे निकल गया ये देखिए ये एक ब्लू बहुत ही प्यारा एक रॉयल ब्लू से थोड़ा सा डार्क है बट बहुत ही प्यारा सा शेड है एंड मैंने एक ये एन वेट एंड वाइल्ड का ग्लॉसी लिप जेल लिया है ये एक पिंक थोड़ा सा ग्लॉसी है ये जेल थोड़ा सा पिंकिश है और थोड़ा सा ग्लॉस देता है एंड मैंने अगेन ये पर्पल का काजल लिया है बहुत ही अच्छा काजल है वाटर प्रूफ है स्मज भी है मुझे काजल बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया ये देखिए बहुत ही प्यारा काजल है बहुत अभी मुझे स्वेटिंग हो रहा है इसलिए ये बहुत ही प्यारा काजल है स्मज प्रिय और वाटर रेजिस्टेंट है जी हाँ ये वाटर प्रूफ काजल है बहुत ही प्यारा काजल लगा मुझे और एक ये मैंने एक एन वाई वी का ही एक लाइनर लिया है ये ग्रीन कलर का लाइनर है जी इसे हम एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं सॉरी ऐसा आई शेडो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं आईलाइनर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं ये एक पोमोग्रेनेट का वाइटनिंग फेस स्क्रब मुझे सारे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट के साथ जब मैंने लिए थे तो ये फ्री मिला था बहुत ही अच्छा स्क्रब है ये मैं इसका एक बड़ा कंटेनर भी मंगाने वाली हूँ और ये अगेन ये भी मुझे द मॉम नेचुरल स्ट्रेच ऑयल ये भी मुझे फ्री मिला था बहुत ही अच्छा ऑयल है ये स्ट्रेच मार्क को काफ़ी हद तक देखिए स्ट्रेच मार्क अगर होते हैं तो वो जाते तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक उन्हें मॉइस्चराइज करता है और थोड़ा हेल्प तो करता ही है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे ये भी आई ऑलवेज फिनिश्ड तो ये था एक मेरा छोटा सा पर्पल हॉल आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए तो और मैं आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी आई होप कि आप सब घर में रहेंगे और सेफ रहेंगे तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।